चर्चा हो, चर्चा हो। देखिए, प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस समय हम बोल रहे हैं कि वो मणिपुर जाके देश की व्यवस्था को संभाले, राष्ट्र सुरक्षा के हित में काम करे, वो यहाँ पे भाषणबाजी में लगे हुए हैं। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि भारत के इतिहास में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है जब देश के किसी कोने में आग लगी हुई है तो वो देश के राजधानी में अपने ही भाषण में मग्न हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप काला कपड़ा पहने हुए हैं, इसके बारे में बताइए, आज काला कपड़ा पहनने का कुछ खास पर्पस मकसद? देखिए, ये काला कपड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार के खिलाफ है। जब देश जल रहा है, जब मणिपुर विभाजित हो गया है, तो प्रधानमंत्री को अपनी छवि की पड़ी है, अपने अहंकार को वो ज्यादा महत्व देते हैं। उस अहंकार को तोड़ने का काम आज हम कर रहे हैं। कि तमाम सांसद जो इंडिया अलायंस के साथी सांसद हैं, वो आज काले वस्त्र पहनकर आए हैं ताकि हम लोग अपने वस्त्रों के माध्यम से भी अपना विरोध दर्ज करा सकें कि जिस प्रकार से एक निर्दयी सरकार मणिपुर के बारे में बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, मणिपुर के विषय में संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, उस सरकार को अपने वस्त्रों के माध्यम से भी, इस काले कपड़े के माध्यम से भी मैसेज पहुंचाएं कि अपनी नींद से जागो, सत्ता के नशे से बाहर आओ। और एक प्रयास है मणिपुर के लोगों के साथ खड़े होने का, कंधे से कंधे मिला के खड़े होने का।